मीडिया के दोस्तों और यहाँ मौजूद एमएम की राबता कमेटी के अरकान और अरकान सूबाई असेंबली हक परस्त अरकान सूबाई असेंबली अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और एक अहम इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। एमपीएम पाकिस्तान की राबता कमेटी और हमारे इंजीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की जानिब से इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने अगर रखा जाए और सियासी बहरान और फिर उसके साथ माशी बहरान को देखा जाए और मौजूदा असेंबलियाँ अब अपने वक्त को मुकम्मल करके अपने अख्ताम की तरफ जा रही हैं तो ऐसे मौक़ों पर कुछ अहम फैसले होने और जमहूरियत की गाड़ी तो वैसे भी हसब इकतदार और हसब इख्तलाफ दोनों के बाहम रब्त और ताबुन से और कई मौक़ों पर दोनों के मुश्तरका सलाम मशवरों से ही आगे बढ़ती है जमहूरियत की गाड़ी और बहुत अहम फैसले उस वक्त होते हैं जब कोई असेंबली अपना वक्त पूरा कर रही होती है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनर एमपीएम और हमारी हायर आलकी ने अपने अरकान सूबाई असेंबली के साथ सलाम मशवरा करके फैसला किया कि इस वक्त सूबाई असेंबली सिम की सूबाई असेंबली में ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए जो ज़रूरत है वो अदम दस्तियाब है, मौजूद नहीं है और किसी ना किसी को इस खला को पुर करना है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ नहीं रहे, उनकी जमात के बेशतर अरकान आ नहीं रहे और ये असेंबली अपना वक्त पूरा करने जा रही है और लीडर ऑफ़ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ़ द हाउस को मिलकर दो चीज़ें तय करनी है। एक तो केयर टेकर हुकूमत के लिए वज़ीर आला के नाम को नामजद करना है और फिर उस वज़ीर आला को अपनी काबीना तैयार करनी है निगरान हुकूमत की और फिर उसके बाद जो इंतखाबात की बिसात बिछेगी उसमें भी निगरान वज़ीर आला का एक अहम किरदार होगा और उस दौरान में भी लीडर ऑफ़ दी ऑपोजिशन और लीडर ऑफ़ दी हाउस दोनों का एक बड़ा किरदार है। तो हमने ये फैसला किया खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, राबता कमेटी ने, अरकान सूबाई असम्बली ने कि जो वक्त अब असम्बली का रह गया है उसमें लीडर ऑफ़ दी ऑपोजिशन होना चाहिए। चुनाचे हमने मुश्तरका तौर पर राना अंसार बाजी जो हमारी सूबाई असम्बली की रुकन है उनका नाम नामजद हुआ है हमारी तरफ से कि वो चीफ मिनिस्टर साहब से और लीडर ऑफ़ दी हाउस से एमपीएम की जानिब से और एमपीएम के अरकान सूबाई असम्बली की तरफ से आगे के मरहलों में बातचीत करेंगी अपने बाकी साथियों के साथ, बाकी अरकान के साथ पार्टी के बाहम सलाह मशवरे से। और जो वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट में उसके लिए जो फैसला होगा तो उसमें लीडर ऑफ़ दी ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए हमने नामजद किया है राना अंसार बाजी को। तो मैं इन्हें पार्टी की जानिब से और ये पार्टी की पार्लियामानी लीडर भी हैं इस वक्त और ये पार्टी को गाइड भी कर रही हैं सूबाई से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम जिम्मेदारी इन्हें दी जा रही है और इनकी सलाहियतों पर पार्टी को पूरा एतमाद है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टी को और सिंध के आवाम दही और शहरी सिंध के आवाम और फिर शहरी सिंध के आवाम को खसूस जिनकी नुमाइंदगी अभी मुश्तरका तौर पर करेंगी एज लीडर ऑफ़ द अपोजिशन। मुझे उम्मीद है कि ये अपना भरपूर किरदार अदा करेगी ताकि जमहूरियत का हुसन है हसब इख्तदार हसब इख्तलाफ की नोक झोंक भी होती है, इख्तलाफ भी होता है और कुछ फैसले मुश्तरका तौर पर करने का मौका भी होता है। तो मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है और मुझे उम्मीद है कि 5 सालों में जो रंजिशें बढ़ी हैं, जो पोलराइजेशन बढ़ी है, जो कुछ भी हमारे जायज़
शिकवे शिकायत रहे हैं उनका निजाला नहीं हुआ और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सूबाई हुकूमत की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ तक कि जो हल्का बंदियों में बलियाती इंतखाबात के मौके पर हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। हम ये पब्लिकली ये बातें करते रहे हैं कि हल्का बंदियों में 70 सीटों से हमें महरूम कर दिया गया था। इसी तरीके से जो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन ने ये कहा था कि बलियाती कानून में तरमीम होगी और 140 के मुताबिक होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो हमारा कोई मुतालबा भी सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्सों में जो हमारे साथ ज्यादती हुई हमें बॉयकॉट करना, और ये जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियाँ की उसकी वजह से हम मजबूर हुए कि दीवार से लगाया गया तो हमने बॉयकॉट किया। जिस तरह मेयर आया पीपल्स पार्टी का, मैं कराची को और हैदराबाद को खास तौर पर कम गिना गया और लापता किया गया हमारी आबादियों को, हमारे लोगों का शुमार नहीं हुआ। और ताकि पीपल्स पार्टी ने किया, उसके रवैये ने किया और शहरी सिंध और कराची और हैदराबाद को दीवार से लगाया, यहाँ तक कि अपनी जामिया के लिए जमीन देने से भी इनकार किया, जो वो सारी बातें आपके सामने हैं का पूरा पूरा एहतराम होना चाहिए। और यहाँ से अगर आइंदा की बिसात बिछानी है